दोस्तों एक जंगल में दो दुष्ट इच्छाधारी नाग रहता था। वो दोनों गांव वाला से बहुत जलता था। एक दिन एक आदमी उस जंगल से पार हो रहा था, तभी वो दोनों नाग का नजर उस आदमी पे पड़ता है और वो दोनों उस आदमी को मारने का निर्णय करता है। और एक नाग एक राक्षस के रूप में जाता है और उस आदमी के आगे खड़ा हो जाता है, जिसे देख के वो आदमी भागने लगता है और वो नाग फिर से उसके आगे आ जाता है और अपने शक्ति से उस आदमी को मार देता है। कुछ समय बाद दो बच्चे उस जंगल से पार हो रहा था, तभी उसे वो आदमी गिरा पड़ा दिखाई देता है। तो वो दोनों तुरंत दौड़ के वहाँ से भाग जाता है और वो सब वो दोनों बच्चे को देख लेता है। और एक दिन वो दोनों बच्चे अपने घर के बाहर खेल रहे थे, तभी वहाँ पे वो दो नाग आ जाता है और बच्चे पे वार कर देता है। तभी वहाँ पे सपेरा आके अपने शक्ति से वो दोनों बच्चे को बचा लेता है। तो वो दोनों नाग सपेरा पे वार कर देता है और सपेरा अपने शक्ति से बच तो लेता है, लेकिन धीरे धीरे उसका शक्ति कम होने लगता है। तो वो तांत्रिक के पास चला जाता है और तांत्रिक को सारा बात बताता है और तांत्रिक गायब होकर चला जाता है। अब आगे तांत्रिक कुछ ऐसा करता है, उसे देखने से पहले अगर आपका भी कोई बेस्ट फ्रेंड है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। उसके बाद तांत्रिक अपने शक्ति से वो दोनों को पत्थर का बना देता है और सपेरा उसे जंगल में